डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था आर्टिकल्स, और यहाँ पे भी इस वीडियो में भी मैं आपको आर्टिकल्स ही बताने वाला हूँ। लेकिन प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल को हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं, आर्टिकल्स हमारे कितने होते हैं, आर्टिकल्स का यूज हम कहाँ पर करते हैं। तो आपका जो मैंने बताया था कि आर्टिकल्स कैन बी स्टडीड अंडर टू ग्रुप्स, तो इसमें मैंने आपको बताया था इंडेफिनिट और डिफिनिट आर्टिकल। तो इंडेफिनिट आर्टिकल्स हमारा होता है ए और एन, जो कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि ए और एन क्या होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दो मिनट और डिफाइन कर दूंगा मैं आपको। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा प्रिया, प्रिया इज एन ऑनेस्ट, प्रिया इज एन ऑनेस्ट गर्ल, प्रिया इज ऑनेस्ट। मित्रों, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि अगर हमारा सेंटेंस में नाउन है, अगर सेंटेंस में नाउन है तो आर्टिकल होगा, क्योंकि आपको मैंने पहले भी कहा था कि आर्टिकल इज नथिंग इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, आर्टिकल कुछ भी नहीं है, यह द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, यह एडजेक्टिव का भाग है, एडजेक्टिव का अंग है। और एडजेक्टिव आप जानते हैं कि वह किसी नाउन से पहले आएगा, किसी नाउन से, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये आपका नाउन है और नाउन से पहले एडजेक्टिव आया है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि किस प्रकार एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव का मैंने आपको एक अलग से भी वीडियो दिया है, उसमें आप स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि प्रिया इज एन ऑनेस्ट, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपका आर्टिकल है और ये आपका एडजेक्टिव है, लेकिन इसके बाद आपका नाउन नहीं है, इसके बाद आपका नाउन नहीं है। अगर यहाँ पर नाउन नहीं है तो आर्टिकल कहता है कि यदि नाउन नहीं है तो मैं सारे सेंटेंस को ही रद्द कर दूंगा, यानी सारे सेंटेंस को गलत कर दूंगा। नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी यहाँ पर नहीं होगा, इसका मतलब ये बात आपका रद्द होगा। प्रिया इज एन ऑनेस्ट गर्ल, एन ऑनेस्ट गर्ल, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गर्ल आपका नाउन है नाउन, नाउन के पहले आपका एडजेक्टिव आया है, नाउन के पहले आपका क्या आया है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के पहले आपका क्या आया है आर्टिकल। हमें यहाँ पे एडजेक्टिव को नहीं देखना, हमें देखना है कि सेंटेंस में नाउन है कि नहीं, बल्कि आप आर्टिकल का यूज एडजेक्टिव की ही अकॉर्डिंग करेंगे। एडजेक्टिव जो हमारा आएगा, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव आ रहा है तो उसकी साउंड क्या है, और साउंड के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि अगर कोई भी वर्ड है और उसके पहले लेटर की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड से हो रही है तो ए का यूज करना, इसका ए का। अगर कोई आपका वर्ड है और उसके पहले लेटर की शुरुआत वोवेल यानी वोकल साउंड से शुरुआत हो रही है तो आपको एन का यूज करना है। मित्र, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एच है और एच आपका क्या होता है कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन हमें यहाँ पे उसके साउंड से मतलब है, यहाँ पे एच का साउंड क्या हो रहा है ओ नेस्ट, इससे हो रहा है ओ से, ओ हा ओ से हो रहा है ना, तो आपका ये ओ वर्ड क्या हो जाएगा वोकल साउंड ओ, यानी हमें कहने का मतलब कि जो हमारे आवाज गले से निकलती है वो हमारे स्वर होते हैं। तो यहाँ पर आपका एन का यूज करना ही करेक्ट होगा ओ नेस्ट, ठीक, वोवेल साउंड से आपकी शुरुआत हो रही है एन होगा। प्रिया इज ऑनेस्ट, प्रिया इज ऑनेस्ट,
प्रिया ईमानदार है, यहाँ पे आपका नाम नहीं है, आर्टिकल भी यहाँ पे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी वो आपका राइट है, नाउन नहीं है, आर्टिकल का यूज नहीं किया गया, ठीक। यहाँ पे जैसे आपका था ऑनेस्ट था, ये ना भी आया होता, अगर यहाँ पे नाउन है तो हम यहाँ पर आर्टिकल का तो उपयोग करते, क्योंकि यही आर्टिकल फिर यहाँ पे एडजेक्टिव का काम है, यही आर्टिकल किसका काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है, लेकिन एन का यूज नहीं होता, क्योंकि ये जो आपका नाउन है इसका जो पहला लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, गल कॉन्सोनेंट, तो एक एन की जगह पे आपका क्या होता बेटा, ए होता, क्या होता, ए होता, और ये भी किसका काम करता, एडजेक्टिव का काम करता, क्लियर। तो आइए अब आगे देखते हैं, जैसे आपका यही वाक्य है, सी सी इज एजुकेटेड गर्ल, यहाँ पे आपको ए एन का कोई भी आर्टिकल्स आपका प्रूव करना है, आर्टिकल्स आपका बेटा नाउन के लिए काम करता है, किसके लिए काम करता है, नाउन के लिए काम करता है, अगर वाक्य में अगर सेंटेंस में नाउन है तो आर्टिकल्स जरूर है, यहाँ पे सी इज एजुकेटेड गर्ल, ऐसे उच्चारण हो रहा है तो बेटा एन आएगा। दिस इज यूनिफॉर्म रूल, यू है ओपेल, लेकिन उच्चारण हमारा किससे हो रहा है, या से, किससे हो रहा है, या से, तो यहाँ पे आपका आएगा। आगे देखते हैं डिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल द, यूज ऑफ द डिफिनिट आर्टिकल द, दा का यूज हम कहाँ पर करते हैं ये देखेंगे, देखिए दा का यूज, दा का यूज हम कहाँ पर करते हैं पहले ये देखते हैं, दा का यूज आप का जो दा है, दा का यूज आप रिवर्स नदियों के लिए कर सकते हैं, होली बुक्स धार्मिक किताबों के लिए, होली बुक्स धार्मिक किताबों के लिए, न्यूज़पेपर्स अखबारों के लिए, ग्रुप्स समूह के लिए, ओशंस महासागरों के लिए, इन स्थितियों में इनके लिए, इन नाउंस के लिए आप दा का यूज करते हैं, जैसे रिवर्स, रिवर्स में आपकी जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गई, तो इन नदियों के पहले आप दा का यूज करेंगे, ओके। होली बुक्स धार्मिक किताबें हैं आपकी, रामायण है, गीता है, आप दा का यूज करेंगे। न्यूज़पेपर्स हैं हिंदुस्तान टाइम्स, तो दा हिंदुस्तान टाइम्स। ग्रुप्स समूह, ग्रुप्स समूह, जैसे दा यूनाइटेड स्टेट्स एक ग्रुप है, यूएसए यूएसए, तो यहाँ पर भी आप यू देख रहे हैं ना, यूएसए, तो अब यहाँ पर जैसे यू है, या से उच्चारण हो रहा है इसका, या से, तो ये नहीं किया हम यहाँ पे ए करेंगे, क्योंकि ए आपका ए और एन जो होंगे वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ए और एन आपके सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज किए जाते हैं जो गिने जा सके, और ये आपका है यू एस ए, यह एक प्रकार का संघ है, ये एक प्रकार का क्या है, संघ है, तो यहाँ पर भी आप दा का ही यूज करेंगे। इसके बाद ओशंस सागर, द एटलांटिक, द एटलांटिक ओशन या द पैसिफिक ओशन, तो आप महासागरों के नेम के पहले भी आप दा का यूज करेंगे, नदियों रिवर्स के नेम के पहले आप दा का यूज करेंगे, कोई होली बुक्स है धार्मिक किताबें हैं उनके नेम्स के पहले आप दा का यूज करेंगे। अब देखते हैं कि दा का यूज हम कहाँ नहीं करेंगे, दा का यूज आपका नहीं होगा कंट्रीज के नेम के पहले, दा का यूज नहीं होगा आपका कंट्रीज के नेम के पहले, जैसे इंडिया आप यहाँ पे दा का यूज नहीं करेंगे, चाइना आप इसके नेम के पहले दा का यूज नहीं करेंगे, सिटीज ये भी आपका क्या है, सिटीज शहर, दिल्ली मुंबई, यानी कहने का मतलब है कि जो आपके प्रॉपर नाउंस हैं, प्रॉपर नाउंस क्या होता है वो आपको मैंने पहले नाउन के माध्यम नाउन
वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया भी था कि नाउन क्या होता है, नाउन के टेंस कितने होते हैं, उनको भी मैंने अलग अलग आपको डिफाइन किया था। जैसे प्रॉपर नाउन किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति या स्थान का नाम, किसी विशेष वस्तु व्यक्ति स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो प्रॉपर नाउन्स के पहले, प्रॉपर नाउन्स के पहले आप दा का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने हाँ लिखा है नेम, ठीक है, तो नेम जैसे रवि दा रवि, तो नेम सकता दा सकता, तो इस तरह से हम प्रॉपर नाउन्स के नेम के पहले दा का यूज नहीं करेंगे। हाँ अगर फैमिली है, क्या है फैमिली नेम, ठीक है, तो फैमिली नेम में आप दा का यूज करेंगे, दादा अनाज, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि कंट्रीज के नेम के पहले आप दा का यूज नहीं करेंगे, और आपको यहाँ बताया गया कि यूएस नेम जिसके पहले आप यूज करेंगे। तो ये स्टेट्स कंट्रियों का एक समूह है, कंट्रियों का क्या है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये एक तरह से संघ है, तो यहाँ पर आप दा का यूज करेंगे। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड के बाद स्टेट्स लगा है, किंगडम लगा है, तो आप वहाँ पर दा का यूज करेंगे, क्योंकि ये एक ग्रुप हो जाता है, या क्या हो जाता है, ग्रुप कॉमन हो जाता है, यानी उससे उसकी पूरी जाति का बोध होता है। जैसे रिवर चाहिए, नदियाँ हैं, कॉमन नाउंस हैं, तो कॉमन नाउंस में आप दा का यूज करेंगे। लैंग्वेज है, लैंग्वेज हिंदी, तो दा हिंदी नहीं करेंगे, दा नहीं आएगा। इंग्लिश दा इंग्लिश, तो दा नहीं आएगा। तो आपको दा का यूज कहाँ पर करना है ये आप अच्छे से मेंशन कर लीजिएगा। दा का यूज आपको कहाँ नहीं करना ये आप अच्छे से मेंशन कर लीजिएगा। ये जो आपके नेम्स हैं इनमें आपको दा का यूज करना है, और इन स्थितियों में आपको दा का यूज नहीं करना। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपके वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।